में आपका स्वागत है। आज हम मसाला मठरी बनाएंगे। मसाला मठरी बनाने के लिए ये सब सामान की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम लोग एक चौड़े मुंह का बर्तन लेंगे और ये एक कप मैदा लेंगे और ये एक कप आटा है, गेहूं के आटा लेंगे और ये मेजरिंग कप से हाफ कप हम बेसन ले रहे हैं और ये एक कप का तीसरा हिस्सा हम लोग ये सूजी लेंगे और इसे एक बार मिक्स कर ले रहे हैं। और ये मसाले में हम लोग ये हाफ पिंच हींग है और ये हाफ टी स्पून जीरा, ये हाफ टी स्पून अजवाइन और ये एक टी स्पून कसूरी मेथी, ये वन टी स्पून सफेद तिल है, सफेद तिल भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये मसाले को हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये हाफ ये आठ लौंग है और ये काली मिर्च और ये सौंफ और ये गोटा धनिया है, इसे मिक्सी में दरदरा जरा सा पीस लेंगे। और देखिए हम लोग इसको दरदरा पीस लिए हैं, एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे और ये भी आटे में मिक्स कर देंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे। और सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मोयन मिलाएंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। मोयन हम लोग जितना हमारा आटा रहता है उसका चौथाई हिस्सा हम लोग मोयन मिलाते हैं। जैसे हमारी अगर हमारा आटा 1 kg है तो हम 250 ग्राम मोयन मिलाएंगे। इतना मोयन एकदम परफेक्ट होता है। अगर मोयन में हम लोग घी डालें तो हमारी मठरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और इसको हम एकदम अच्छी तरह से मैश करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच और तेल मिलाएंगे। लोग मोयन जितना देंगे उतना हमारी ये खस्ता बनेगी। और इसको एकदम अच्छी तरह से हम ऐसे हाथ में डाल के दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसे करने से हमारी मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी। मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक इसे मैश कर लिया है। अब हम जरा सा हम इसमें जरा सुसुम गरम पानी लेंगे, हल्का निवाया पानी लेंगे और इसे हम एकदम भूरभूरा एक डो तैयार करेंगे। एकदम टाइट, एकदम भूरभूरा टाइप का होना चाहिए हमारा ये आटा।
थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम लोग इसका आटा तैयार करेंगे। ये हमारा आटा अब तैयार हो चुका है। अब इसे हम और पानी नहीं मिलाएंगे और बस इसी को ही हम लोग इकट्ठा कर लेंगे पूरा। देखिए इतना वो कड़ा, हम लोग की अंगुली भी ठीक से नहीं घुस रही है। ऐसा आटा हम लोग को इसमें तैयार करना है। अब इसे हम हाफ एंड आवर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा ये आटा पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये आटा तैयार हो चुका है। एक बार हम इसे मैश कर ले रहे हैं। अब इसका हम दो भाग करेंगे और इसकी हम एक छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी हम लोग लोइयां तैयार करेंगे। ये लोइयां तैयार हो चुकी है। अब हम एक लोई लेंगे और हथेली से हम लोग इसे ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखिए इतनी है हमारी, इसमें इतनी मोटाई है इसकी। बस इसको हम लोग हथेली की सहायता से ही ऐसे बेलेंगे और आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। अब इसमें हम चक्कू के चक्कू से हम लोग इसमें ऐसे इसकी छेद कर लेंगे ताकि हमारी ये मट्ठी फूले नहीं। इसमें हम चार पांच ही छेद करेंगे, इससे ये मट्ठियां फूलेगी नहीं। अब हम एक कढ़ाई में ये तेल लेंगे। और इसको हम जरा सा सिकने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम लोग तेज आंच में इसे छोड़ देंगे तो ये अंदर से सिकेगी नहीं और नरम भी हो जाएगी, हमारी खस्ता नहीं बनेगी। ये एकदम सिम गैस पे इसे सेकेंगे। ये मठड़ियां बनकर तैयार है। देखिए ऐसे हम लोग को कलर सेकना है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे पूरा तेल को निकाल के। कितना अच्छा कलर आया है और मसालों की खुशबू पूरे किचन में महक रही है। इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी मठड़ियों को फ्राई कर लेंगे। ये 10 मसालों से बना बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता इवनिंग स्नैक्स है। इसे आप चाय या अचार के साथ में इसे खा सकते हैं। आप इसे जरूर बनाएं और आपकी ये कैसी बनी लाइक कमेंट्स और शेयर करके मुझे जरूर बताएं। आप इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं।